दुनिया हमारे सामने चल रही है, तो क्या आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? दोनों हाथों से दिखाइए, क्या आप भी ऐसा एक्सपीरियंस? ओके, वेरी गुड। सो हमारे बीच में महाराज जी पधार चुके हैं। हम महाराज जी के आज प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर लीलाएं। महाराज जी इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में और बंगाली में, चार भाषाओं में प्रवचन करते हैं, पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आज हमें महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी जी महाराज की। हरे कृष्ण। श्री गोवर्धन धाम में बीट लव मनाने के लिए सरे एम बीट सिख, श्री गोवर्धन धाम में विप्लव मनाने के लिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु एंड टीम के अध्यक्षता में जितने भी आप युवा वर्ग यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और श्री गिरिराज जी के चरण में विशेष प्रार्थना है, आप सभी का मनोभीष्ट पूर्ण हो। जिस लक्ष्य के लिए विप्लव किया जा रहा है वो अभीष्ट पूर्ति हो। श्री गिरिराज धरम की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय गोपी
समवेत भक्त वृंद की हरे कृष्ण। अभी अभी श्री अरविंदाख्य प्रभु
ये नजर लगा रहे थे कि 70% जो यहाँ उपस्थित थे उनमें से गिरिराज के तलहटी पर पहली बार आए। धन्य है सुंदर गोपाल भगवान टीम को जिन्होंने इनको खींच करके गिरिराज जी के चरण में ले आए। बाकी कुछ हो ना हो अत्यंत विपद स्थिति में विषाद स्थिति में नाना प्रकार के टेंशन में छोटे मोटे नहीं साक्षात देवराज इंद्र के पूरी ताकत लगा करके ध्वंस करने के प्रक्रिया को उनका उद्धार से गिरिराज जी कर लेते हैं। कैसे उनके नीचे सबको आश्रय दे देते हैं। तो आपको इस गिरिराज जी के तलहटी में गिरिराज की चरण में लाया गया। तो अभी निसंकोच आप इस आश्रय में रहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं है। गिरिराज के शरण में रहने से फिर कोई चिंता की बात नहीं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री गिरिराज धरण लीला यही तो प्रमाण कर रहा है। भगवान कृष्ण इस ब्रजमंडल के युवराज हैं। गोपराज नंदन श्री नंद महाराज के पुत्र हैं और उनको संपूर्ण ब्रज मंडल में केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षी गाय बछड़े लता पता पर्यंत अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। यही था ब्रज और कृष्ण का संबंध। गिरिराज लीला में इसको प्रमाण हुआ है। उन्होंने वर्षों से अपने पूर्व पूर्व अनेक पीढ़ियों से प्रतिवर्ष वार्षिक अनुष्ठान के दौरान इंद्र की पूजा कर रहे थे। इंद्र यज्ञ कितने वर्षों से करते आए और गिरिराज गोवर्धन यही थे, वो तो सत्ययुग से ही उपेक्षा कर रहे थे, युग युग से वहीं थे। किसने भी ना तो उनको प्रणाम किया ना तो पूजा किया ना बाकी कुछ सम्मान उम्मान उनको किया। भगवान कृष्ण आए गोकुल से नंदग्राम आए। जब उनको 7 साल हो चुका था और उनका प्रोफेशनल प्रमोशन हो चुका था, उनका प्रोफेशन था बच्छपाल, बछड़ा चरा रहे थे, पालन कर रहे थे। 5 वर्ष से आयु अधिक हो गया तो प्रमोशन हो गया, गोपाल हो गए, गोपालन करने लगे, दूर दूर तक जंगल में गाय लेकर जाने लगे। तो 7 साल की अवस्था में उनको जब एक दिन गोल अच्छा लेकर को वापस आ रहे थे, पता चला कि इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिवाली के दिन शाम को भारी मीटिंग ब्रज में बैठा हुआ है, जिसमें गोपराज नंद ने अध्यक्षता कर रहे हैं और समस्त नेत्र स्थानीय नेत्रवर्गीय लोग ब्राह्मण पंडित सभी भाग ले रहे हैं। तो पता नहीं कृष्ण घर न जा करके उस शाम के समय वहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने पिताजी से बातचीत की। पिताजी उनको उपेक्षा करना चाहते थे, तो छोटा बालक है गाय लेकर के आया जाओ घर में रेस्ट करो।
लेकिन ये तो कोई साधारण बालक थे नहीं। उस सभा में जितने भी सभासद वृंद थे सभी का मन नेत्र प्राण तक आकर्षित कर लिए उन्होंने, वो भूल गए उनके मीटिंग का सब्जेक्ट। तभी सभी ने बोले नंद राय जी लाला को बताइए, हम सब भूल गए हम किस लिए मीटिंग करने आए थे। तो नंद राय को और कुछ उपाय नहीं था, अपने पुत्र को गोद में लेकर के उनके साथ वार्तालाप करने लगे। तो उनको बताने लगे ये हमारा वार्षिक अनुष्ठान है, इंद्र यज्ञ के अनुष्ठान, भगवान तो भगवान ही है। उनके बुद्धि के भ्रमित करने लगे युक्ति के द्वारा, नाना प्रकार के युक्ति दे करके। केवल नंद महाराज नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भद्र व्यक्ति थे मानने के लिए सभी को बुद्धि भ्रमित कर दिए कि इंद्र को पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों पूजा करेंगे? अगर पूजा करें तो हमारे गोवंश को जो वृद्धि करता है, हमारे उपजीव को जो वृद्धि करता है, उसको पूजा करें। इनको क्यों? बिल्कुल प्रमाणित रूप से इतने अच्छी प्रकार से युक्ति दे करके उनको समझा दिए, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था, माने बगैर कोई था नहीं चांस, निरुत्तर होकर के स्वीकार किए। महाराज नंद बोले देखो बेटा, ये हमारे पूर्व पुरुषों से होते आया है, मैं तेरे साथ युक्ति करके पार नहीं पार सकता हूँ, मेरे इतना बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हूँ वाले हैं, लेकिन इतने हमारे जो पूर्व पुरुषों से आया हुआ चीज कैसे बंद कर दूं। तो कृष्ण बोले पापा, जो मिस्टेक एक बार किसी ने बड़ों ने कर दी तो इसी को कंटिन्यू करेंगे या सुधारेंगे उसको? नंद बाबा बोले ये मुझे पता नहीं कि मिस्टेक है कि सही है। नफीर बोले मैं पुरोहित यहाँ है, हमारे पंडित ब्राह्मण ऋषि वर्ग है, उनसे परामर्श कर लीजिए। तो हाँ, ब्रजमंडल के पुरोहित सांडिल्य ऋषि भागुरी मुनि ये सब थे, उनको बुलाया गया। भले बाकी कोई जाने न जाने, न जान कर भी अपने प्राण से अधिक प्रेम करते थे कृष्ण को, लेकिन ये जो सिद्ध महापुरुषगण सांडिल्य भागुरी मुनि आदि तो जानते थे ये कृष्ण कौन है। और जब उन्हें कृष्ण के सामने आए, कृष्ण बोले मैं चाहता हूँ ही इंद्र की पूजा बंद हो करके, इसे बोला हाँ लाला जो कह रहे हैं हम उसी राजी, तुरंत एक्सेप्ट किए। और उसी समय कई वर्षों से होते आ रहा इंद्र पूजा, इंद्र यज्ञ रद्द कर दिया गया, जबकि उनके लिए कई व्यवस्था महीनों से पकवान बना रहे थे, कई आयोजन किए थे। तो बोले अब क्या करें? नहीं पूजा तो होगा लेकिन इंद्र का नहीं, हम गिरिराज गोवर्धन का करेंगे। भगवान के इस प्रकार कार्य के पीछे दो कारण था। एक तो आगे चल करके भगवद गीता में उन्हें कहेंगे देव पूजा अविधि पूर्वक है, देव पूजा को निंदा करेंगे। कोई अगर पूछेगा भैया आपके घर में आपके बाप दादे सब पूजा करते थे तो इसलिए पहले बंद करा देना चाहते हैं, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, अपने घर से देव पूजा बंद कराएंगे। तो बंद करा दिए और उसके बदले में जो पूजा शुरू कराए एक गोवर्धन पर्वत, एक पर्वत की पूजा कोई डिटी वर्शिप मैनुअल में कोई रिकॉर्ड में कोई पोथी में कुछ था ही नहीं। जब निश्चित कर गया कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, भगवान के जो दो कारण था, एक कारण था देवराज इंद्र के जो अभिमान था, जो गर्व था, उसको दलन करना था, और भक्त श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन की महिमा प्रकाश करना था। ये उद्देश्य लेकर के गिरिराज की पूजा को रद्द करके, सॉरी इंद्र की पूजा को रद्द करके गिरिराज की पूजा प्रस्ताव दिए और सब मान्यता हो गया। ब्राह्मण लोग बोले ये पर्वत को पूजा करने का विधि तो हमको किसी को पता नहीं, कोई किताब में भी नहीं है। तो भगवान स्वयं गोवर्धन पूजा का विधि विधान स्वयं बताए। तो इस भगवान की निर्देश के अनुसार सारे ब्रजवासी सारे सामान लोड करके
गिरिराज जी की तलहटी में आ गए और उनके निर्देश के अनुसार भारी आडंबर से गिरिजज्ञ शुरू हुआ। हरिवंश आदि में वर्णन है कि तूरी भेरी वाद्य के साथ और हजारों लाखों गो बछड़ों के शुद्ध आवाज के साथ इतने बड़े मेला उत्सव होने लगा कि सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न थे कि ऐसा उत्सव के नया उत्सव फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ पहली बार एक नूतन उत्सव होने जा रहा है। परम उत्साह से सब नृत्य गीत वाद्य आदि गाकर खूब प्रसन्न थे, सब प्रसन्न होकर नाच रहे थे और विधि पूर्वक गिरिराज के पूजन हुआ जैसे जैसे भगवान ने कहे थे। गिरिराज की अभिषेक श्रृंगार भोग अर्पण और भगवान ने इन ग्वाले अनपढ़ गवार लोगों को सरल विश्वास होता है उनको विश्वास दिलाने के लिए स्वयं गिरिराज पर्वत के ऊपर आवेशित हो गए। अभी तक हर साल जो इंद्र की पूजा कर रहे थे, एक झंडा गाड़ रहे थे, कलश स्थापना कर रहे थे, इंद्र को कोई नहीं देखे थे, झंडा भर देख रहे थे, कलश देख रहे थे बस फेस्टिवल। लेकिन आज भगवान स्वयं गिरिराज में अपने आप को प्रकट करा करके एक विशाल रूप में हम शैलो अस्मि ये घोषणा किए, मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ। सारे ब्रजवासी छोटे बड़े देखने लगे, उनके मुखोटा को उनके फेस को देखने लगे, देख करके लगे जाना बचने लगता है। सभी नंद लाला के मुंह को देखने लगे, उनको देखने लगे, बार बार देखते थे, बोले हमारे नंदन नंदन और गिरिराज सेम तो है, केवल एनलार्ज कर दिया जाने से सेम हो जाएगा, ये जिस साइज में है उनको बहुत बड़ी आकार बना दिया जाए तो वही हो जाएंगे, बिल्कुल हूबहू सेम है, थे ही तो सेम। केवल उनको दर्शन नहीं दिए, बातचीत किए और जो भोग आदि अर्पण करने लगे नाना प्रकार के सामग्री, ऐसे वर्णन आता है कि दूध दही माखन के तो कीचड़ हो गया था गिरिराज की तलेटी, कितने कितने पकवान बनाकर लाए थे, ढेर कई किलोमीटर तक उस लगे और स्वयं भगवान गिरिराज में आवेशित होकर के उसको ग्रहण किए दो हाथ में, सब आरोगने लगे, सब आरोग गए, बोले और लाओ, इसलिए इस स्थान का नाम आनियोर है, और लाओ आनियोर और लाओ। और जितने कुंड था सब कुंड के जल को पी लिए, प्रसन्न होकर के बोले कि मैं आपके पूजा और भोग से मैं प्रसन्न हूं, आप मुझे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपका मनोवांछा हो इसी क्षण में आप सबको पूर्ण कर दूंगा। श्री गिरिराज ने घोषणा की सभी के सामने, असंख्य ब्रजवासी आवाल वृद्ध वनिता छोटे बड़े बालक बालिका बूढ़े बूढ़ी सब थे, गिरिराज अनाउंस कर रहे हैं कि जो इच्छा बोलो मैं सबको अभी अभी ऑन द स्पॉट पूरा कर दूंगा। सबका मन में तो कुछ इच्छा था पूरा करने का, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। तो गिरिराज जी समझ गए कि आपने हृदय की बात इतने लोगों के सामने पब्लिकली कैसे कहें, है ना, नहीं अपनी हृदय की बात तो छिपा कर रखते हैं, टॉप सीक्रेट, सबके सामने खोल कर कैसे बोले। तो गिरिराज जी समझ गए, बोले ऐसी गड़बड़ है, बोले ठीक ठीक है चेंज कर दे, बोले कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके केवल मन से सोचिए कि ये मेरा हृदय की इच्छा है पूरी हो जाए और मैं तत्काल उसको पूरा कर दूंगा, अंतर्जामी के रूप में सब जान जाऊंगा, पूरा कर दूंगा। तो अभी असंख्य ब्रजवासी सब अपना अपना आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, असंख्य ब्रजवासी गिरिराज के चरण में खड़े होकर के अपने अपने इष्ट कामना कर रहे थे।
अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते थे अव्यक्त रूप में, बिना बोले, साइलेंटली। सभी का एप्लीकेशन गया, असंख्य एप्लीकेशन गया, लेकिन गिरिराज जी ने देखे कि लाखों एप्लीकेशन तो है लेकिन सब्जेक्ट एक ही है सभी में। प्रत्येक ब्रजवासी, चाहे वृद्ध हो, वृद्धा हो, युवा हो, युवती हो, बालक हो, बालिका हो, शिशु हो, सभी ने एक ही प्रार्थना करते थे, हे गिरिराज, हे गिरिराज बाबा, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि ये जो नंद के लाला है, नंद नंदन, वो सकुशल रहे, प्रसन्न रहे, बस, और हम कुछ नहीं चाहिए। ये है ब्रजवासियों के प्रमाण। इनके हृदय में, उनके मन में, उनके चिंतन में, उनके बुद्धि में, उनके सोच में, विचार में, इच्छा में केवल कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और नथिंग, और कुछ भी नहीं। आपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, यही था प्रमाण ब्रजवासी को, अपने लिए कुछ नहीं। तो भगवान ने इस समस्त ब्रजवासी गाय बछड़े तक को साथ में लेकर के बहुत भव्य आडंबर के साथ गिरिराज जी की गिरिजज्ञ किए, पूजा किए, ब्राह्मण ऋषियों को खूब दान दक्षिणा, गोवाओं को खूब पूजा, वो ग्रास दिया गया, खूब सुंदर सुंदर घास आदि खिलाया गया, ब्राह्मणों को खूब तृप्त किया गया दान दक्षिणा भोजन द्वारा। और उसके बाद बड़े बूढ़े जितने अतिथि थे, फिर ब्रजवासी स्वयं कई ब्याज में सब मिष्टान्न के द्वारा उनको आप्यायित किया गया। भगवान कृष्ण अनाउंस किए, अभी फाइनल इवेंट होने जा रहा है, क्या अब तो भोजन प्राजन हो गया, अब तो पूरा नहीं, भोजन हो गया लेकिन और एक इवेंट बाकी है, क्या ना, सभी जाइए घर में फ्रेश हो करके, नए धूल धाल करे, नए कपड़ा पहन कर गाइए, अभी फाइनल इवेंट है, परिक्रमा उसको करना है, परिक्रमा करना है, ये किसी ने नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की प्रणाम, गोवर्धन की यज्ञ, गोवर्धन की परिक्रमा का फाउंडर आचार्य हैं, तो उन्होंने बोले कंपलसरी सबको आना है। कोई बोला कि मेरे पैर दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो नहीं आना पड़ेगा, पैदल नहीं चलकर कर पाओगे तो गाड़ी में बैठकर करो, अलाउड है, लेकिन करना पड़ेगा परिक्रमा कंपलसरी, धमकी देकर के सबको कराए। आपने स्वजन परिजन को, ब्रजवासियों को लेकर के भगवान स्वयं गो बछड़े को लेकर के परिक्रमा किए, और परिक्रमा करने के लिए भविष्य में आदेश दे गए। उनके आदेश के अनुसार आज असंख्य कृष्ण भक्त हर साल, हर महीने में हजारों हजारों संख्या में गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तभी तो गिरिराज विशाल रूप में था, अभी तो बहुत छोटे हो चुके हैं। इसी गिरिराज को देख करके, अभी इंद्र की बात हम नहीं कह रहे हैं, इंद्र ने उनकी पूजा बंद कर दिया गया और बहुत अपमानित महसूस किया, और इस घोर अपमान के बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि छोटा सा बालक, गाय चराने वाले, उसके बाप पर आकर ये समझदार ब्रजवासी लोग सालाने से मुझे पूजा कर रहे थे, मुझे रिजेक्ट करके कि पहाड़ पर पूजा करने लगे। बहुत कुपित होकर के, अपमानित महसूस करके, पूरी ब्रज को इंडिया मैप से उखाड़ देने के लिए प्रोजेक्ट लिया हाथ में, जो जो करना सके सब तैयारी करने लगा, लेकिन असफल रहा। भगवान ने गिरिराज धारण कर लिए, ये लीला भगवान ने किए। जब सारे ब्रजवासी प्रतिपदा के दिन पूजा हुआ था, दूज के दिन जम द्वितीया है, जमुना जी स्नान करने सब गए थे,
स्नान कर रहे थे, इंद्र को नारद जी से पता चला, इंद्र तो वेट कर रहे थे। इतने घोर अपमानित क्रोधित होकर के उन्होंने अटैक शुरू किया। केवल बारिश नहीं, आंधी तूफान ओला, जो इमरजेंसी टैंक था संवर्तक बारी, उसको भी रेंची मंगाकर खोल करके खोल दिया। बोला सारे पानी निकाल डाल दो, ब्रज को डुबा दो, खत्म कर दो। लेकिन यो नहीं पता था इस घमंडी इंद्र को वो किसके साथ ये करने जा रहा है। ब्रजवासी उन्हीं के शरण में है जो सबके बस है। तो सारे ब्रजवासियों को पता चला ये बदमाशी कौन कर रहा है, इंद्र ने कर रहा है। उनको आपने इस बार पूजा नहीं किए, गुस्से में आकर के भारी आंधी तूफान ओला ये सब कर रहा है, गाय बछड़े सब घर टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, ऐसा हो रहा है। सब इस प्रकार से त्रस्त भीत होकर के दौड़ करके कोई एक भी भैया हम लोग के पास होता हमको पता चल जाता कि इनके गुस्सा के कारण हमारा सताक्षण हो रहा है, हम जाकर फोन करते नहीं तो पहुंच जाते, प्लीज एक्सक्यूज मी गलती हो गया। एक भी ब्रजवासी इंद्र के पास नहीं गए, उनको फोन तक नहीं किए, पूछे नहीं। इंद्र कृष्ण ऐसे रहे पानी तक कुछ नहीं पूछे, सब दौड़ करके आए कृष्ण के पास। जीना कृष्ण के लिए, मरना कृष्ण के लिए, कुछ भी रखा के भरोसा कृष्ण के ऊपर भरोसा। कृष्ण के पास आए, कृष्ण बोले चलो मैं समझ रहा हूँ इंद्र ने इसे कर रहा है, हम इंद्र के बदले गिरिराजी की पूजा किए थे, गिरिराजी आपको रक्षा करेंगे। तो सबको लेकर के भगवान श्री गिरिराजी के तलहटी पर इसी चरण में आए और देखते देखते खेल खेल में गोवर्धन पर्वत, विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा करके अपने बाएं हाथ के छोटे अंगुली पर धारण कर दिए। सबको बोले आ जाओ, आप अपने गाय बछड़े संपत्ति सब लेकर के उसके नीचे आ जाओ। बोले सब डर रहे थे जाए ना जाए, भगवान ने भरोसा दिया, बोले आ तो जाओ। और बारिश हो रहा था और कई सालों से जुग जुग से ये विशाल पर्वत पड़ा हुआ था। आपको लगेगा कोई ईंट कहीं पड़ा हो बारिश के समय उठाए, उसके नीचे खिलती कोई कीड़े मीड़े चलते होंगे, ये कोई अच्छी जगह थोड़ी ना होगा। लेकिन भगवान थे, भगवान कृष्ण ने अपने स्वजन परिजन प्रियजन को रहने के लिए व्यवस्था गिरिराज को उठाकर किए, ऐसे सुंदर हल बना दिए। ये हल क्या, बहुत पैसा बहुत मेहनत करके कीचड़ के ऊपर वो भी बनाए, पट्टी पट्टी डालकर, मैं देखने से लग रहा है कि कितने मेहनत किए होंगे। अभी कृष्ण भी सोच रहे थे पता नहीं ये शरद के बाद में कार्तिक महीना में इतनी बारिश क्यों, तभी सोच रहे थे इसी बार हुआ, तभी तो मिडिल कार्तिक में हुआ था, अभी बिगिनिंग कार्तिक में हो गया, अभी परिक्रमा एक हफ्ता तक चल नहीं पा रहा है, इतने जहाँ तक पानी भरा हो इतने सारे बारिश हो गया। पहली बार देखने शरद भगवान के समय हुआ था, फिर अभी हुआ कार्तिक में इतनी भारी बारिश ब्रज में। फिर भी एबी क्लब के कार्यकारी टीम ने पता नहीं, मैं सोचा था कैसे करेंगे गोवर्धन में इतनी बड़ी जगह, लेकिन गिरिराज के कमाल है, पट्टा मट्टा बिछा करके के अद्भुत महल बना दिए इधर, है ना, और इतने भारी व्यवस्था किए हैं कि आप लोग आसाम से बैठ करके सुन सके, मत कर सके, पूरी व्यवस्था किए हैं, धन्यवाद दे उनको। लेकिन भगवान कृष्ण ने इतना कोई पट्टा मट्टा ये सब टेंट हस फुटा कुछ नहीं किया, वो तो धड़ास से उठाया, बोले आओ। उनके अचिंत्य शक्ति अचिंत्य इच्छा के कारण इस पहाड़ के नीचे एक ऐसे अद्भुत हल बन गया, ऐसे एक अद्भुत हल बना। ये आप बोलेंगे ऐसी हल होगा, हाँ ऐसी हल तो था, लेकिन ये सेंट्रल एसी ऐसा था कि केवल एक टेम्परेचर नहीं है, 16 नहीं, मुझे थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा 22-24 तक कर लीजिए, बोले ऐसा किसी को नहीं करना है, इंडिविजुअल टेम्परेचर का हल बना था। ऐसा कभी आपने सुना कि देखा कोई हल हो जिसमें एसी लगा हो, इंडिविजुअल टेम्परेचर
आप बाजू में बैठे हैं, आपको 16, उनको 22, उनको 26, उनको 28, इतने टेम्परेचर बिल्कुल बाजू बाजू में। सभी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तापमान देने वाला ऐसा कभी अभी तक व्यवस्था ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाईटेक कोई बना पाया अब तक? सोच भी नहीं सकते। एक तो ऐसे हल बनाया, फर्श फर्श छोड़ दो, दुनिया कैसे प्लेट फर्श कैसे बिछाता है इनका तो छोड़ो, केवल आत्मस्मर सोचो कि ये अंदर जाए ऐसे ऐसी तापमान था कि इंडिविजुअल जो ताप आवश्यकता इतनी प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप इच्छित ताप प्राप्त होगा। दूसरी, इस हल के अंदर प्रवेश करने ही करते मात्र से किसी प्रकार के भूख प्यास शारीरिक आवश्यकता लगेगा ही नहीं। जब तक इस हल में रहेंगे ना भूख महसूस होगा, ना प्यास महसूस होगा, ना शारीरिक किसी प्रकार की शांति क्रांति इत्यादि इत्यादि शारीरिक किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगा। अभी ऐसा कभी सोच सकता है, बना सकता है? नो, ये भगवत इच्छा से इसे बना। टेंशन फ्री हॉल, उसमें स्टेप इन किया, जितने प्रकार के टेंशन मन में था सब खत्म। अरे जहां इनपुट नहीं आउटपुट का जरूरत नहीं, टॉयलेट बाथरूम का जरूरत नहीं था क्योंकि कोई खाएंगे पिएंगे नहीं, नींद भी नहीं लगेगा, किसी को क्रांति शांति नहीं होगा, इस प्रकार के सुंदर हल बनाए थे। अरे कभी खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं, बैठना नहीं, अब कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो करना क्या है? भगवान गीता में कहते हैं एक क्षण भी, एक क्षण भी कोई काम किए बिना कोई रह नहीं सकता, बिना काम किए क्षण कोई तीर्थ नहीं सकता। ये सब कुछ बंद कर दिए, खाना पीना सोचना विचारना नींद सब कुछ बंद फ्री, तो व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे? क्या एक ही काम करना था सबको। असंख्य ब्रजवासी आवाल वृद्ध वनिता, श्री कृष्ण ने अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से सभी को एक ही प्रोजेक्ट दिए। आप तो केवल 5,000 के आसपास यहां बैठे हैं, यहां तो पूरे ब्रज के लोग बैठे थे, कई लाखों की संख्या में आए थे, और सभी के सामने एक ही टास्क था, क्या? चारों तरफ घेर करके बीच में कन्हैया अब गिरवर धारण किए हुए थे, और चारों तरफ असंख्य लाखों संख्या में गाय बछड़े समेत और मयूर और आदि आदि हिरण आदि के समेत सब स्त्री पुरुष ब्रजवासी सब, केवल क्या करना था? न आपने प्राण से भी अधिक प्यारा श्री कृष्ण को आपने निकट से आंख भर के देखना था, एक ही काम करना था। ये काम जो जिंदगी में किया है उनको कभी ताप संताप दुख शोक कुछ नहीं लग सकता। दुख शोक भयापहा, दुख शोक भय भाग करके चला जाएगा, जो कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करेगा, आंख खोल करके उनको देखेगा, उनके नजदीक रहेगा, उनको तो दुख शोक भय मोह कभी छू नहीं सकता, पास नहीं भटक सकता। ये था, एक ही काम था उनको, लगातार दिन रात कंटिन्यूअस अपलक नयन में श्री कृष्ण को अपने आंख से लगता था कि कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं, केवल मुझे देखते हैं, मैं ही उनका देखता हूं, और किसी को नहीं देखते हैं, वो तो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूं। उनके मंद मंद मुस्कान को देखते थे, कैसे गिरिराज धारण किए हैं उसको देखते थे, और दिल भर करके, हृदय भर करके, मन भर करके, आंख भर करके, देख देख करके उस छवि को अपने हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके परमानेंटली सेव करना चाहते थे। यही एक ही काम था, सभी लोग मिलकर करते थे। और श्री कृष्ण भी अपने स्वजन परिजन प्रियजन सभी को अपने छत्र छाया में देखना चाहते थे, अपने नजदीक, और यही सभी की इच्छा था, श्री कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते थे। कितने प्रसन्न मुद्रा में एक छतरी उठाकर कृष्ण खड़े हैं गोवर्धन पर्वत को, और कितने आनंद में सब ब्रजवासी हैं। ये तो गिरिराज धारण की लीला रहा, ब्रज को प्रख्या किए। इंद्र को तो बेचारे वज्र मार मार करके हाथ उसका दर्द करने लगा, दो मसाज मैन को बुलाया था मसाज करने के लिए, बोला टू मच वन कोई कैंड तक वज्र मार रहा हूँ यार,
और जितने पानी था सारे निकाल लिया, जितने हवा पानी सब ढंग सब खत्म कर दिया। अब बोला तुम बजट खत्म हो गया होगा, जाकर मुझे भेजो कि एक रिपोर्टर को भेजा। रिपोर्टर आया, यहाँ से फोटो लेकर व्हाट्सएप पे भेज दिया हमको। यहाँ तो धूल उड़ रहा था, पेड़ पर सब आजीडी थे। इंद्र बोला नॉनसेंस, ये गलत छवि कहाँ से भेज दिया। बोला सारा विश्वास नहीं करें, खुद आइए। आपने गाड़ी ऐरावत से चढ़ करके इंद्र आया, जब देखा ब्रज को विश्वास नहीं कर पाया। चश्मा लगा करके देखा, बायनोकुलर लगा करके देखा, तब दिमाग ठिकाने में आया। बोला ये क्या हो गया, पूरा वीकेंड दो चार पांच और भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट एचओडी के बुलाया था, वायु देवता अग्नि देवता सबको बुलाया था। सब आकर बोले सर ये क्या हो रहा है। अरे छोड़ो यार, पहले मैं करंट मेल चेक करता हूँ, मेरा पोजीशन है कि नहीं, मेरा पोस्ट है कि नहीं, पहले देखो मेल खोलो, मैं अभी इंद्र की पोस्ट में हूँ या नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। और नेटवर्क जोन में बाहर था और नेट खुल नहीं रहा था, मेल नहीं चेक कर पाया। इमरजेंसी फोन था ब्रह्मा जी का उनके पास, डायरेक्ट फोन किया ब्रह्मा जी को, सर क्या क्या बोली ये इमरजेंसी क्या फोन किया ना सर, भारी घटना हो गया ना क्या ना ऐसे ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे छोटा लड़का समझ करके ऐसा किया और ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पूरा कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो मर गया, मैं क्या करूं। ब्रह्मा बोले डोंट वरी, मेरा भी ऐसे हुआ था, अब कुछ करते हैं। अब देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो चुका था। जिन गोकुल को गोवंश को नाश करने के लिए, गोब्रज को नाश करने के लिए तुला हुआ था, उन्हें गो माता के शरण में जा करके इस गिरवरधारी के चरण में आ करके शरण लेना पड़ेगा उसको। ये तक ये थे उनको इंद्र के गर्भ को चूर्ण करके ब्रज को रक्षा किए थे। श्रीमद भागवत महापुराण में भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी श्री गोपिकागण ने श्री गिरिराज के बारे में क्या वक्तव्य किए हैं, श्री गोवर्धन जी के वंदना श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं। गोवर्धन जयतु शैल कुलाधिराज यो गोपिका विरोधितो हरिदास वर्यः कृष्णेन सक्रमक भंग कृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्म तले प्यवासित सप्ताहम अपि तो पाद पंकजे भृंगायमानं फलमूल कंदरे संसव्यमानं हरिमात्म वृंदके गोवर्धनाद्री शिरसा नमामि गोवर्धनाद्री शिरसा नमामि। इस गोवर्धन पर्वत को सिर से प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण का आप लोग महाभारत में जो विष्णु सहस्र नाम है इसमें भी एक लाइन आता है, अनिर्देश्य प्रभु महान अमे आत्मा महाआद्रिध्रुक, एक लाइन आता है भगवान अनिर्देश्य प्रभु, भगवान को देख करके कोई निष्कर्ष में पहुंच नहीं पाएगा ये पुरुष है कि स्त्री है, बालक है कि बूढ़ा है, ये है कि क्या है, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से, कोई देवी देवता किसी कोई भी ऋषि महर्षि कोई निर्णय नहीं कर सकते कि ये है क्या। इसलिए उनका नाम एक है सहस्र नाम में अनिर्देश्य बपु, उनके शरीर का कोई निर्देश निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, कोई निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्या है वो। अमय आत्मा मन वचन बुद्धि के द्वारा जिनको कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, और महाआद्रिध्रुक महान पर्वत को धारण करने वाले, ये विष्णु सहस्र नाम का नाम आता है। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण तो बाद में किए, लेकिन गोवर्धन को पूजा इसलिए कराए कि गोवर्धन गोवर्धन थे, पूरे ब्रज के गोधन को और ग्वाले को इतने पोषण कर रहे थे, इतने भली प्रकार से सबको देखभाल कर रहे थे, इसलिए जितने ग्वाले गोपाल थे जितने गाय बछड़े थे प्राय दिन में अधिकांश समय यहीं आ जाते थे। श्री गोपिका गोपिकाओं में
श्रेष्ठा सिद्धि आदि। अब भगवत विरह में विरहित होकर के जब वर्णन कर रहे थे, गीत गा रहे थे, गोवर्धन के ऊपर नजर आया, देख करके बोलते हैं, अहंता अयम आद्रि अबला हरिदास वर्यः, हे अबलाएं, आप लोग का बल कम है, स्त्रियां है ना, लज्जा धैर्य आदि के द्वारा अब कंट्रोल्ड है, अब बाजार में ऐसे नहीं जा सकते हैं, लोग बोलेंगे स्त्री है कि ऐसे कैसे क्रिया कर घूम रहा है, तो लज्जा शर्म धैर्य आदि के द्वारा आपके बल नहीं, उसको तोड़कर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हे अबलाएं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कृष्ण के चरण में चले जाएं, कृष्ण के चरण को एक बार प्राप्ति करें, लेकिन हमारा बल नहीं है, इसे तोड़ ताड़ करके चले जाएं, कृष्ण जाएं, उनको पहुंच जाएं, जान कर भी हाथ पर है, चलने का शक्ति है, इच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन देखिए ये एक स्थावर है, एक पर्वत है, चल भी नहीं सकता, लेकिन और हमारे प्राणनाथ को खींच कर अपने पास ले आता है, क्या बल है उसका पास, क्या उनका भक्ति और प्रेम का बल है कि केवल श्री कृष्ण हमारे प्राणनाथ नहीं, यत् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, अपने भाई अपने संबंधी परिकर गाय बछड़ा के समेत दिन भर वही अड्डा बनाकर बैठे, कभी जाते ही नहीं, हम ढूंढते ढूंढते उनको पाते नहीं, और यहाँ कहीं जाता नहीं, ये पहाड़ जहां तहां बैठा है अकेला, और सारे कृष्ण सपरिकर आकर के उनके ऊपर बैठते हैं डेली, कैसे हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान, कहां जाए क्या करें, लेकिन ये कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं करता, स्थावर है, लेकिन फिर भी हमारे प्राणनाथ सपरिकर उनके पास आते हैं, कैसे, कुछ तो बल है उनका पास। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारे भी जो धैर्य शर्म आदि है, अपने घर में जो बड़े बूढ़े बोलेंगे, अच्छा गिरिराज जी पूजा करने जा, जाने दो जाने दो, लड़की है, गिरिराज जी को हरिदेव की पूजा करेगा, मन से शांत करके आने का, चरणामृत लाना, प्रसाद लाना, जाने दो, हम कोई रोकेंगे नहीं। दूसरी बात है, शास्त्र हमेशा यही कहता है, महत कृपा बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं, महापुरुषों के कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। महापुरुष में से सबसे श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं भगवान के हरि के भक्त, और हरि के भक्त में सर्वश्रेष्ठ है हरिदास वर्य श्री गिरिराज। ऐसे महापुरुष के, ऐसे वरिष्ठ भक्तों के शरण लिए बिना हमारे कार्य सिद्धि होगा कैसे, तो इसलिए ऐसे महापुरुष श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज के शरण में अगर हम जाएं, तब हमारा मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा तत्काल। ये बात को दोहराते हुए तुम कैसे पूर्ण हो जाएगा, देखो ना पूर्ण होता है कैसे, ये तो सारे शास्त्र संत महंत कहते हैं कि हरि के दासों के श्रेष्ठ के शरण में जाओ तो तत्काल आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो कहते हैं, लेकिन ये हरिदासों के श्रेष्ठ है क्या, नहीं तो कहते हैं क्यों नहीं श्रेष्ठ है, पूरे श्रीमद भागवत में हरिदास विशेषण तीन ही लोगों के लिए दिया गया, श्री उद्धव जी के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए, श्री गोवर्धन जी के लिए, लेकिन गोवर्धन जी के लिए केवल हरिदास ने, हरिदास वर्य गोपिका ने कहे, श्री राधिका ने कहे कि हरिदास में श्रेष्ठ है, बोले सो कैसे, हाँ यहाँ पर गोवर्धन में हरिदेवी जी हैं, पर हरिदेवी के दास अनेक होते हैं, ब्रजवासी खूब सेवा पूजा उनका करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे उनके सेवक नहीं है जो आपने देह ही उनको दे दे उनको स्थापित करने के लिए, नहीं नहीं इतने बड़े सेवक तो अभी तक कोई है ही नहीं जो अपने शरीर ही उनके लीलाक्षेत्र बना दे, इसलिए महान हरिदास वही हैं। दूसरे ये संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपने पत्नी पुत्र परिवार संबंधी देह गेह आदि के चक्कर में दिन रात लगे पड़े हैं, उनको सब क्या कहा जाएगा, मायादास, क्या है वो, हाँ इस प्रकार प्रोजेक्ट में जो सो लगे हुए हैं सब मायादास है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके केवल श्री हरि और हरि भक्तों की प्रसन्न करने के लिए जो लगे हैं उनको कहा जाएगा हरिदास।
ये महादास और ये हरिदास, इन हरिदासों में श्रेष्ठ कौन है कैसे पता चलेगा? भाई श्रेष्ठ तो ही पता चलेगा भाई, सेवक सेवक सभ्य सेवक होता है, कोई प्रभु जी है उनका कि सेवक है। अगर सेवक पक्का है तो उनके सेवा से अगर प्रभु जी बिल्कुल प्रसन्न है, श्रेष्ठ है, बिल्कुल खुश हैं, तो वो अच्छा सेवक माना जाएगा। उनके सेवा करके जो खुशी है और उनके सेवा में जो खुशी है वही को माना जाएगा श्रेष्ठ करके। तो यही प्रमाण गिरिराज जी के ऊपर है, श्री गिरिराज जी के सेवा में प्रसन्न होकर के श्री राम कृष्ण हमारे प्राणनाथ गए और सब परिकर सारे सब प्राय तभी तो भाग और जैसा उनकी झरनाएं है गांव के इतने प्रश्न जैसे उनके शरण में जाए तो निश्चित रूप से भगवान के श्रेष्ठ आराधिका सिराधिका आंड पाटी वो कहते हैं अगर जीवन में कोई सिद्धि पाना चाहता है, कृष्ण की सानिध्य कृष्ण चरण प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है श्री गिरिराज की शरण में जा, उनके कृपा होगा वो हो जाएगा, नहीं तो वो सिखा देंगे ट्रेनिंग दे देंगे। कुछ तो उपाय है कि इसे बैठे बैठे कृष्ण को सपरिकर खींच लाते हो, कुछ तो कारण है ये बताएंगे और उनके कृपा से अब जान जाओगे तो घर बैठे अपनी इच्छा पूर्ण करके कृष्ण प्रेम कृष्ण सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन के एकमात्र लक्ष्य है। तो जीवन के एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण का हो जाना और कृष्ण को प्रसन्न करना और जो कृष्ण कहे उनको प्रसन्न करना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही उद्देश्य भटक करके नाना प्रकार के और उद्देश्य लेकर के हम टेंशन ग्रस्त हैं, चिंता ग्रस्त हैं, उद्वेग ग्रस्त हैं, भय ग्रस्त हैं, दुख ग्रस्त हैं, मोह ग्रस्त हैं और क्या क्या नहीं है, है ना? नहीं अभी आजाद आजाद होंगे क्या जब आजादी के असली टेस्ट ना पता है? नशा, ये नशा जिसको नहीं लगा तो कैसे नशा से मुक्त होगा? जिनको ये नशा लग जाए बाकी नशा दुनिया के सब तुच्छ हो जाए। यही से गिरिराज की प्रगति में गिरिराज की शरण में आ जाए और गिरिराज कैसे भगवत सानिध्य भगवान को अपने प्रसन्न करके अपने सेवा सुख के द्वारा कैसे उनको प्रसन्न करके अपने पास ले आते हैं और हमेशा उनका चरण स्पर्श प्राप्त करते हैं, इस कौशल को इस कला को उनके शरण में रह करके उनसे सीख करके अपने जीवन को सफल सुलभ मंडित कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा इस 2020 के इस विप्लव के आयोजक करताओं को कि आप और यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए से चाहे छोटे मोटे और कोई वो तो सब कंट्रोल्ड होते हैं डेविगर्स देवताओं के द्वारा और देवताओं के एचओडी राजा देवराज इंद्र भी यहाँ गिड़गिड़ाया आकर के कुछ नहीं कर पाया। इससे गिरिराज के शरण में चले जा, गिरिराज के शरण में जाने से श्री गोविंद ही गिरिराज को छत्री बना करके तुझे रक्षा करेंगे। तो यही गोपिकाएं राधा राधा दी गोपिकाएं कहते हैं कि हमारे सकल प्रकार के इच्छा सारे इच्छा के सबसे सद इच्छा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति कृष्ण चरण प्राप्ति और कृष्ण प्रसन्नता, ये तो गिरिराज के शरण में गिरिराज की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता। तो आप लोग ने ये बिल्कुल उचित स्थान उचित समय पर सही कार्तिक महीना में और गिरिराज में ये उत्कृष्ट अभियान आंदोलन लेकर के विप्लव करने के लिए आ गए। अगर करना हो तो द बेस्ट प्लेस इन बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट वे, इज नॉट इट? यस, थैंक यू सो मच। ओके, क्या कोई प्रश्न?